नमस्कार दोस्तों, मैं उषा ग्रोवर ब्लेसिंग्स टीम लुधियाना से हूँ। मैं अपनी फेवरेट बुक जोनाथन लिविंगस्टन सीगल के साथ फिर से एक बार प्रस्तुत कर रही हूँ इसका हिंदी ऑडियो, और ये सेकंड चैप्टर का पार्ट है और ये मेरा सिक्स्थ ऑडियो है। शाम का समय था, कुछ गर्ल्स जो कि रात्रि को नहीं उड़ते थे सब इकट्ठे होकर रेत पर समुद्र के किनारे खड़े कुछ सोच रहे थे। जोनाथन ने बड़ी हिम्मत करके सबसे बड़े बुजुर्ग गुल के पास गए और बोला, जियांग, सुना है कि ये बहुत जल्दी दुनिया से आगे निकल जाएगा। बुजुर्ग सीगल ने बड़ी दया से प्यार से जोनाथन को देखा और बोला, हाँ मेरे बच्चे, उम्र बढ़ने से नंबर बड़े होने की बजाय ये बुजुर्ग उम्र बढ़ने से और सशक्त और परिपक्व हो जाते हैं। वह झुंड में किसी भी तरह का उड़ान भर सकता है और इसने ऐसे गुण, ऐसे कौशल उड़ने के लिए सीखे हैं जो कि अन्य सीगल्स इसके बारे में सीखने के लिए बहुत समय लगा देते हैं। जोनाथन बोला, लेकिन ये दुनिया तो बिल्कुल स्वर्ग नहीं है, तो ये क्या है? बुजुर्ग गुल चांदनी रात में मुस्कुराया और बोला, जोनाथन, आप फिर से सीख रहे हो। जोनाथन ने फिर पूछा, तो यहाँ इस दुनिया में क्या है और हम कहाँ जा रहे हैं? क्या स्वर्ग जैसी कोई जगह नहीं होती? बुजुर्ग ने स्माइली जवाब दिया, नहीं जोनाथन, ऐसी कोई जगह नहीं होती जिसको स्वर्ग कहते हैं, और स्वर्ग तो कोई जगह है ही नहीं, ना ही वह कोई समय है। स्वर्ग तो अपने आप में संपूर्ण है। ऐसा कहकर पल भर के लिए बुजुर्ग सीगल खामोश हो गया और फिर बोला, जोनाथन, तुम तो बहुत तेज गति से उड़ने वाले पक्षी हो, ठीक है ना? जोनाथन ने जवाब दिया, मैं तो केवल गति का आनंद लेता हूँ। और जोनाथन ने ऐसा कहकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया कि इस बुजुर्ग ने मेरे उड़ने की गति पर गौर किया है। बुजुर्ग फिर से बोला, जैसे ही जिस पल आप संपूर्ण गति को प्राप्त कर लोगे, उसी समय तुम्हें स्वर्ग जैसा आनंद मिल जाएगा, वही स्वर्ग है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि स्वर्ग किसी जगह को नहीं कहा जा सकता, स्वर्ग तो बनाने वाली चीज़ है। जब मेडिटेशन में हम अंतर्मन की गहराइयों को पा लेते हैं, तो वही स्वर्ग की अनुभूति है। स्वर्ग ये है कि स्वर्ग केवल महसूस करने वाली चीज़ है, ये ना कोई स्थान ना कोई समय है, ये केवल एक अनुभूति है जिसको केवल महसूस किया जा सकता है। और ये स्वर्ग हजारों मील की रफ्तार से उड़ने से नहीं मिलता, बल्कि यूं कहें कि गिनती में नंबर्स में उड़ना तो कभी भी संपूर्णता को पाना नहीं है। मतलब तुम जितनी भी तेज, जितनी भी स्पीड में उड़ो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। कुछ पाना है तो उस संपूर्ण आनंद को पाना है जो केवल अभ्यास से ही मिलता है। मेरा मानना है कि मेडिटेशन जितने घंटे भी कर लें, वह जिस समय हम अपने आप को पा लेते हैं, वही संपूर्ण है, वही आनंद है, वही स्वर्ग है। वो कभी भी, किसी भी पल, किसी को भी मेडिटेशन के अभ्यास से मिल सकता है। बुजुर्ग बोले, मेरे बच्चे, उम्मीद है तुम इस गुण को समझ गए होगे। और तब वह बुजुर्ग सीगल बिना किसी वार्निंग के चियांग अदृश्य हो गया और पल भर में 50 फीट दूर पानी पर एक किनारे पर दिखाई दिया। और इसमें एक अलग ही अनुभव था, अलग ही मजा था। जोनाथन ये सब कुछ देखकर चकाचौंध हो गया। जोनाथन स्वर्ग के बारे में जानने की जिज्ञासा को भी भूल गया और चियांग से पूछा, ये सब आपने कैसे किया? ऐसा करने से क्या अनुभव होता है? और ऐसा उड़कर, इस तरह से उड़कर आप कितनी दूर तक जा सकते हो? बुजुर्ग सीगल ने जवाब दिया, तुम इस तरह उड़कर कहीं भी जा सकते हो और तुम जहां भी चाहो वहां जा सकते हो, और मैं इस तरह कभी भी कहीं भी जा सकता हूँ। उसने समुद्र के पार नज़र दौड़ाई। बहुत ही अद्भुत दृश्य था। जोनाथन ने इस अनजानी राह पर विजय पाने को लालायित हो उठा।
बुजुर्ग सीगल ने कहा। बुजुर्ग ने सीगल से कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा अगर तुम सीखना चाहते हो। जोनाथन ने कहा, मैं उस तरह से उड़ना सीखना चाहता हूँ। जोनाथन की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उसने चियांग से पूछा, बताओ मुझे क्या करना है। चियांग ने बड़े ही प्यार से, बड़े गौर से जोनाथन की तरफ देखा और बोला, ठीक है जोनाथन, तुम इतनी तेज उड़ो जितना एक विचार जो मन में आता है उस विचार की गति से उड़ने का अभ्यास करो, और ऐसे महसूस करो कि तुमने उस आनंद को पा लिया है। उस जगह पर तुम पहले भी आ चुके हो, जो प्राप्त करना है उसे सोचो, तुमने उसे अभी प्राप्त कर लिया है। ऐसी कल्पना करके तुम अभ्यास में लग जाओ। चियांग के अनुसार उड़ने की गति स्पीड केवल स्वयं को सीमित शरीर के अंदर फंसने से रोकने के लिए थी, जिसमें 42 इंच के पंख थे, और इस प्रदर्शन को एक चार्ट पर प्लॉट किया जा सकता है। इस ट्रिक से ये सीखना था कि उसका असली स्वभाव, नेचुरल बिहेवियर, ट्रू नेचर केवल उड़ान है, और वह उड़ान संपूर्णता को पाना है, जो कि गिनती में, नंबर्स में नहीं हो सकता। ये संपूर्णता स्पेस और टाइम से परे है। जोनाथन ने इस अभ्यास को दिन प्रतिदिन जारी रखा, जी जान से, सूर्योदय से पहले और आधी रात बीत जाने पर भी वह अभ्यास करता रहता। लेकिन इतना अभ्यास करने के बावजूद जोनाथन को अपनी ग्रोथ नज़र नहीं आ रही थी। चियांग जोनाथन से बोला, तुम अपने विश्वास को भूल जाओ, तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस को एक तरफ रखकर केवल उड़ान के बारे में सोचना है, जानना है। इन दोनों बातों में कोई खास अंतर नहीं है। अब तुम फिर से अभ्यास करो। यहाँ चियांग जोनाथन को ये समझाना चाहता है कि इतना अभ्यास दिन रात कोई मायने नहीं रखता, जब तक तुम शांत होकर बिना कुछ पाने की चाह में जब तक उड़ना नहीं सीखोगे, तुमको आत्मिक संपूर्ण आनंद नहीं मिलेगा। तब एक दिन जोनाथन अपनी आँखें बंद करके समुद्र के किनारे खड़ा, अपने आप पर कंसंट्रेट करके सोच रहा था, अपने ध्यान पर केंद्रित हो रहा था, और चियांग के कहे शब्द उसे याद आ रहे थे, हाँ यही सच है, मैं संपूर्ण बेहद गुल हूँ। उस पल उसे बहुत आनंद महसूस हुआ। चियांग बोला, जोनाथन बहुत अच्छा, और गुरु, चियांग की आवाज़ में विजय का घोष था, विजयनाथ था। फिर जोनाथन ने अपनी आंखें खोली तो वह एक अलग ही समुद्र का किनारा महसूस हो रहा था। सूर्य की परछाई, पेड़ों की परछाई, समुद्र के पानी में बहुत खूबसूरत नज़र आ रही थी। चियांग ने कहा, जोनाथन आखिर तुमने मंजिल पा ली, मंजिल को पा लिया, लेकिन तुम्हें अपने कंट्रोल पर थोड़ा और काम करना होगा। जोनाथन स्तब्ध रह गया और उसने पूछा, चियांग हम कहाँ हैं? अजीबोगरीब परिवेश से स्तब्ध जोनाथन को देखकर चियांग बोला, हम उसी ग्रह पर हैं और उसी आकाश और सूर्य के सामने। जोनाथन की खुशी के मारे चीख निकल आई, और वह पहली आवाज़ जो निकली थी उसके मुंह से वो थी, यस इट वर्क्स, हाँ ये टेक्निक काम करती है। चियांग बोला, हाँ बिल्कुल ये टेक्निक काम करती है और हमेशा काम करती है। जब आपको मालूम है कि तुम अपना कार्य कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो, बिना किसी स्वार्थ के कर रहे हो, अब तुम अपने आप पर नियंत्रण रखना भी सीखो। दोस्तों, यहाँ कहने का तात्पर्य ये है, जो मुझे समझ आया, कि हम जो कुछ भी करें, हमें कभी भी ईगो नहीं आनी चाहिए। हमें अपने किए हुए कार्य या अपनी मेडिटेशन में किसी भी तरह का हवा में नहीं उड़ना। हमें पैर जमीन पर ही रखने होंगे और अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा। कि हमें बैलेंस रखना होगा। कभी भी ये नहीं सोचना कि हाँ मैं कुछ बन गया हूँ, मुझे एक्सपीरियंस होने लगे हैं, तो इससे हमारे अंदर हलचल आ जाएगी, शायद हम ईगोइस्ट हो जाएंगे।
तो हमें उस ईगो को नहीं पाना, हमें अपने आप को बड़े संतुलित अवस्था में रखकर अपनी मेडिटेशन के लिए, अपनी ध्यान के लिए संलग्न रहना है। शुक्रिया दोस्तों, बहुत खूबसूरत मैसेज है आज के इस ऑडियो में, उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपने बाबा, अपने मास्टर, अपने गुरु पत्री सर का और ब्लेसिंग्स टीम का, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।